हेलो एवरीवन, आज हम ल्यूसेन जीके से एंशिएंट इंडिया का नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जो कि है मोस्ट पोस्ट मौर्यन या प्री गुप्ता पीरियड। इसका जो टाइम पीरियड है वो है 200 बीसी से 200 एडी तक। तो अशोक की डेथ के बाद जो उनके सक्सेसर्स थे वो वीक थे और वो जो उनका बड़ा सा किंगडम था वो संभाल नहीं पाए। तो धीरे धीरे करके जो किंगडम से दूर दराज के इलाके थे उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस घोषित करना चालू कर दी। और नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो था वो मौर्यों के हाथ से फिसल चुका था और वहां पे जो फॉरेन इन्वेजन्स या फॉरेन अटैक्स होना चालू हो गए। कलिंग का जो इलाका था उड़ीसा वाला, उसने अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी। और साउथ डेक्कन में जो सात वाहन थे जो कि सामंत थे मौर्य के, उन्होंने भी अपना इंडिपेंडेंट रूल घोषित कर दिया। फिर ऐसा हम देख सकते हैं इतने सारे रूल्स जो थे सबने अपना इंडिपेंडेंस घोषित कर दिया, उस कारण जो मौर्य एम्पायर था वो अब सिर्फ गंगा वैली तक ही सिमट के रह गया था। और जल्द ही वहां पे भी सुंग डायनेस्टी जो थी वो आ गई। अब हम जानते हैं सुंग डायनेस्टी के बारे में। सुंग डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वो पुष्यमित्र सुंग थे। उन्होंने अपने ही राजा का जो बृहदत्त थे उनका मर्डर करके वो खुद राजा बन गए। उन्हीं के समय काल में ग्रीक्स ने पाटलिपुत्र को कुछ समय के लिए ऑक्यूपाई कर लिया था, लेकिन पुष्यमित्र सुंग ने फिर से उसे रिक्लेम किया। उन्होंने खारवेल के जो राजा थे कलिंग के खारवेल, उनसे भी लड़ाई की जिन्होंने बहुत बार मगध को लूटा था। पुष्यमित्र जो थे वो ब्राह्मणिज्म के एक ऑर्थोडॉक्स फॉलोअर थे हम कह सकते हैं। उन्होंने बहुत सारे बुद्धिस्ट पे अत्याचार किए, लेकिन जो बुद्धिस्ट आर्ट था उसे पैट्रोनाइज किया। उनके राज में बहुत सारे बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स थे सांची पे जिनका रेनोवेशन हुआ था। पुष्यमित्र के जो बेटे थे वो थे अग्निमित्र, और वो कालिदास का एक ड्रामा था मालवी का अग्निमित्र, उसके हीरो भी थे। अग्निमित्र के बाद एक सीरीज आई वीक रूलर्स की और उसके कारण जो सुंग डायनेस्टी का उसका डिक्लाइन होता चला गया। हम देख सकते हैं सुंग डायनेस्टी के दौरान एक ब्राह्मिकल जो इन्फ्लुएंस था वो बढ़ गया और उस कारण हिंदुइज्म जो था उसका रिवाइवल हम देख सकते हैं। सुंग डायनेस्टी के जो आखिरी रूलर थे वो थे देवभूति। देवभूति जो थे वो आखिरी रूलर थे, उनका भी मर्डर कर दिया उनके मिनिस्टर में जो कि थे वासुदेव कण्व। और फिर कण्व डायनेस्टी की स्थापना हुई जो लास्ट मौर्यन डायनेस्टी थी, और इनका राज अप्रोक्सीमेटली 45 ईयर्स तक चला। और उसके बाद है सातवाहंस। अब जानते हैं सातवाहंस कौन थे। सातवाहंस हमने देखा था डेक्कन में जो मौर्यों के सामंत थे फ्यूडेटरीज, वो सातवाहन थे। और जैसे ही मौर्यों का जो रूल था वो वीक होता, जो सेंटर वीक होने लगा मौर्यन रूल, तो इन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस घोषित कर दी। सातवाहंस के जो फाउंडर थे वो थे सिमुक। इनका रूल अप्रोक्सीमेटली 300 से 400 ईयर्स तक चला था। सातवाहंस को आंध्रा भी कहा जाता है, तो जो आंध्र प्रदेश जो नाम रखा है वो इसी के ऊपर रखा गया। इनका कैपिटल था पैथान और ये गोदावरी नदी के किनारे था। अब हम जानते हैं सातवाहंस के जो ग्रेटेस्ट रूलर थे वो जिनका नाम था उनके बारे में, जिनका नाम था गौतमीपुत्र सातकर्णी। इनका समय काल है 106 से 130 एडी तक। ये सबसे महान सातवाहन रूलर थे और ये 23rd सातवाहन रूलर थे। इन्होंने शाक को डिस्ट्रॉय करा, इनको हराया शाक क्षत्रप नहापना को हरा के, और इसके बारे में नासिक इंस्क्रिप्शन में लिखा गया। नासिक इंस्क्रिप्शन जो है वो उनकी माँ गौतमी ने लिखवाया था इनकी प्रतिष्ठा करते हुए। इसमें लिखा गया है कि उन्होंने कहाँ कहाँ राज किया है और इनके और क्या क्या अचीवमेंट्स हैं। जो गौतमीपुत्र सातकर्णी थे वो भी एक ब्राह्मण थे, ब्राह्मणिज्म को पेट्रोनाइज करते थे, बट वो बुद्धिस्ट को भी डोनेशन देते थे। अमरावती जो है वहां पे बहुत सारे बुद्धिस्ट स्तूप जो है वो बनवाए गए हैं इन्हीं के रूल के अंडर। नेक्स्ट रूलर है वशिष्ठपुत्र पुत्र पुल्लमय। ये 24th रूलर थे। इन्होंने शाक क्षत्रप रुद्रमन की बेटी से शादी की, बट उन्हीं के साथ लड़ाई में ये उनसे दो बार हार गए। सबसे इंपॉर्टेंट बात इनके राज की ये है कि इन्होंने कॉइन्स इशू किए जिसपे इमेजेस बनी थी शिप की। उससे हमें क्या दिखता है, ये दिखाता है कि उस टाइम का नेवल पावर और मैरिटाइम ट्रेड तो जो था वो बहुत पावरफुल था। नेक्स्ट हम जानते हैं यज्ञश्री सातकर्णी जी के बारे में। जो आखिरी सबसे ग्रेट रूलर थे वो थे यज्ञश्री सातकर्णी। इन्होंने मालवा और नॉर्दर्न कोस्ट कोंकण को जो था उसे शाक रूलर से फिर से हासिल किया। जो उस टाइम पे रुद्रमन जो एक बहुत ही बड़े शाक लीडर थे,
उनसे कैप्चर किया गया। तो सातवाहन पीरियड के टाइम पे हम देख सकते हैं कि ओवरसीज ट्रेड जो था वो बहुत एक ग्रोथ पे था। सातवाहन एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन के ही बराबर था, वो वैसा ही एडमिनिस्ट्रेशन फॉलो कर रहे थे जो मौर्य छोड़ के गए थे। और ऑफिशियल लैंग्वेज जो थी सातवाहन की थी वो थी प्राकृत, और सिल्वर कॉइन्स को ये बुलाते थे शत्रपना। ट्रेड में मोस्टली लेड कॉइन्स यूज होते थे, और इन्होंने पहली बार एक प्रैक्टिस चालू की जिसमें ये जो गांव थे टैक्स फ्री गांव वो ब्राह्मण को दे देते थे या भिक्षुओं को दे देते थे। इसके बाद बहुत सारे राजाओं ने ऐसा किया, जब उनके पास पैसे नहीं होते थे तो वो टैक्स फ्री गांव दे देते थे ब्राह्मण्स को, या इनके बाद बहुत सारे लोगों ने किया, लेकिन स्टार्टिंग जो थी वो इन्होंने की थी। इनके टाइम पे ब्राह्मणिज्म जो था वो रिवाइव हुआ, तो जो हमने देखा था अश्वमेध और राजसूय यज्ञ जो प्रैक्टिसेस हो रही थी वो फिर से इनके टाइम पे फिर से स्टार्ट हो गई थी। सातवाहन्स ने बहुत सारे चैत्य और विहार बनाए, और फर्स्ट टाइम जो टेम्पल जैसा स्ट्रक्चर था वो कार्ले में बनाया था, वेस्ट डेक्कन में। फर्स्ट टाइम जो टेम्पल जैसा स्ट्रक्चर था वो इन्हीं के कार्यकाल में बना। गाथा सप्तसती करके एक बुक है जो सातवाहन किंग हाल द्वारा लिखी गई है। अब हम पढ़ेंगे फॉरेन इन्वेजन्स के बारे में। फॉरेन सक्सेशन ऑफ मॉरिन्स, सबसे पहले आए थे बैक्ट्रियन या इंडो ग्रीक, उसके बाद आए थे साक, फिर पार्थियंस, और सबसे आखिर में कुशान। अब हम एक एक करके सबके बारे में जानेंगे। सबसे पहले इंडो ग्रीक्स। तो इंडो ग्रीक्स है कौन? इंडो ग्रीक्स जो अलेक्जेंडर छोड़ के गए थे बैक्ट्रियंस को नॉर्थ अफगानिस्तान और कजाकिस्तान वाले इलाके में, सेंट्रल एशिया में, वही इंडो ग्रीक्स है। ग्रीक्स खुद को बैक्ट्रियन नाम से बुलाना पसंद करते थे, और जैसे ही वो इंडिया आ गए तो वो इंडो ग्रीक्स बन गए। 200 BC अराउंड में जब मॉरियंस का एम्पायर जो था वो वीक पड़ गया, तो BC डिमेट्रियस ने, जो कि एक ग्रीक रूलर थे, उन्होंने अफगानिस्तान और पंजाब को ऑक्यूपाई कर लिया। फिर उन्होंने दो कमांडर्स एपोलोडोटस और मिनेंडर, इनको भेज दिया आगे फर्दर कॉन्क्वेस्ट के लिए। एपोलोडोटस ने सिंध को कॉन्कर कर लिया और धीरे धीरे वो उज्जैन तक पहुंच गए, और जो मिनेंडर थे वो मथुरा तक पहुंच गए थे और आगे जाके पाटलिपुत्र भी कैप्चर करने वाले थे, बट वासुमित्र ने उन्हें रोक लिया। वासुमित्र जो थे वो ग्रैंडसन थे पुष्यमित्र सुंग के। मिनेंडर को मिलिंडा भी कहा जाता है, उनका एक और नाम मिलिंडा भी है, और उन्होंने अपनी कैपिटल जो था वो बनाया सकाला को। सकाला मतलब आज का जो सियालकोट का इलाका है वो। और उन्हें बुद्धिज्म में बहुत इंटरेस्ट आने लगा। उन्होंने अपने कोर्ट में एक बुद्धिस्ट मॉन्क नागार्जुन को बुलाया, और उनके साथ उन्होंने बहुत ही फिलोसॉफिकल बातें की, और वही फिलोसॉफिकल बातें की लाइफ क्या है और क्या होता है आगे, तो ये सब कुछ इस प्रकार की बातें की। और उस जो ये इनका डायलॉग था वो उन्होंने एक बुक में लिखा है, उस बुक का नाम दिया मिलिंड पन्हो या क्वेश्चंस ऑफ मिलिंडा, जिसका मतलब है क्वेश्चंस ऑफ मिलिंडा। फाइनली फिर मिलिंडा ने एम्ब्रेस किया बुद्धिज्म को अंडर मॉन्क नागार्जुन। एक ग्रीक एम्बेसडर थे हेलियोडोरस। हेलियोडोरस जो थे वो एक वैष्णवाइट बन गए थे, वैष्णव कह सकते हैं हम, वो एक वैष्णव बन गए थे। और वैष्णव कौन होते हैं? जो मोस्टली विष्णु वासुदेव की वर्शिप जो करते हैं उन्हें वैष्णव कहा जाता है। हेलियोडोरस जो थे वो वैष्णवाइट बन गए, और उन्होंने एक गरुड़ पिलर बनवाया बेसा नगर में, जो कि विदिशा मध्य प्रदेश में है। इंडो ग्रीक्स पहले थे जिन्होंने इंडिया में गोल्ड कॉइन्स इशू किए, और यहाँ हम देख सकते हैं कि ग्रीक्स जो है वो एक कल्चरल एक्सचेंज हो रहा है। ग्रीक्स जो है वो इंडिया के रिलीजन से इंस्पायर हो रहे हैं, कल्चर से इंस्पायर हो रहे हैं। सिमिलरली जो ग्रीक्स का कल्चर था ड्रामा और थिएटर का, वो एक्चुअल में ग्रीक्स का कल्चर है, और वो इंडिया आया था ग्रीक्स के थ्रू। अब हम शाक के बारे में जानेंगे। शाक को सिंथियंस भी कहा जाता है, और इनका रूल था इंडिया में 1st century से 4th century BC तक। शाक या सिंथियंस ने रिप्लेस किया इंडो ग्रीक को इंडिया में। इनकी 5 ब्रांचेस है शाक की इंडिया और अफगानिस्तान में, और हम पढ़ने वाले हैं इन्होंने अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स में इंडिया के रूल किया। जो सबसे इम्पोर्टेंट जो शाक ब्रांचेस जिसके बारे में हम पढ़ने वाले वो है वेस्टर्न इंडिया वाली। जो सबसे इम्पोर्टेंट शाक रूलर थे वो थे रुद्रमन वन, ये सबसे फेमस शाक रूलर है, और इनका समय काल है 130 से 150 AD तक। ये फेमस है अपने मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट और इनके पब्लिक वर्क के लिए।
इनकी मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट हम देख सकते हैं, इन्होंने कॉन्कर किया था सिंध, गुजरात, कौन कौन, मालवा और काठियावाड़ एरिया को। ये सब इनकी मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट है। इसके अलावा ये पब्लिक वर्क में भी बहुत इंटरेस्ट लेते थे। अब पब्लिक वर्क की बात करें तो इन्होंने सुदर्शन लेक को रिपेयर करवाया जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय से थी, और ये लेक काठियावाड़ में है। इन्होंने सबसे पहला एक बहुत लॉन्ग इंस्क्रिप्शन लिखवाया चेष्टी संस्कृत में। 57 बीसी में एक राजा थे उज्जैन ने, उन्होंने शाप को हराया और उन्होंने खुद को विक्रमादित्य कहा, विक्रमादित्य कहा, और उन्होंने ही विक्रम संवत की शुरुआत की। विक्रम संवत जो ट्रेडिशनल हिंदू कैलेंडर है उसे विक्रम संवत कहा जाता है, और वो 57 ईयर्स आगे चलता है। जनरली हम ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है उसे फॉलो करते हैं, और वो बनाया गया है पोप ग्रेगोरियन ग्रेगोरी के द्वारा। तो विक्रम संवत का जो स्टार्टिंग था वो विक्रमादित्य ने किया 57 बीसी में। जो गुजरात और मालवा रीजन में शाक थे वो खुद को क्षत्रप बुलाते थे। क्षत्रप का मतलब होता है गवर्नर। दूसरे इंपॉर्टेंट शाक रूलर्स है नाहपना। नाहपना जो है वो कंटेम्पररी है गौतमी पुत्र शातकर्णी के। उसके अलावा इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं उषावा देवा, घामा टीका, चश्ताना। शाक के बाद आते हैं पार्थियन। पार्थियंस को शाक को रिप्लेस किया था पार्थियंस ने नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, बट वो बहुत ही छोटा एक एरिया कंट्रोल कर रहे थे शाक से। सबसे जो इम्पोर्टेंट रूलर है पार्थियंस के वो है गोंडोफेरीस। ये सबसे फेमस पार्थियन किंग है, और इनके ही टाइम में जो सेंट थॉमस थे वो इंडिया आए थे क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करने। हम जानते हैं कुशांस के बारे में। कुशान जो है वो वन ऑफ द फाइव यूची क्लांस, यूची जो ट्राइब है उसका पार्ट है, और ये सेंट्रल एशिया से, हम कह सकते हैं ओरिजिनली चाइना से है। कुशान डायनेस्टी के फाउंडर जो है वो कैटफिसेस है, और उन्होंने पार्थियंस को रिप्लेस किया नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, और नॉर्थ अफगानिस्तान में उन्होंने शाक को रिप्लेस किया, और उसके बाद वो अपना जो राज था वो इंडस बेसिन और मिडल गैंजेटिक बेसिन तक ले गए। कैडफिसेस टू जो था उसने गोल्ड कॉइन्स इशू किया और उस पर लिखवाया गॉड ऑफ द होल वर्ल्ड, और स्प्रेड हिज किंगडम टू द ईस्ट एज फार एज मथुरा। कुशान जो थे वो पहले थे जिन्होंने लार्ज स्केल पे गोल्ड कॉइन्स बनाना चालू किए या इशू करना चालू किए, और उससे पहले इंडिया में गोल्ड कॉइन्स कौन लाया था, इंडो ग्रीक्स। जो सबसे फेमस कुशान रूलर थे वो थे कनिष्क। कनिष्क का टाइम पीरियड है अप्रोक्सीमेटली 78 से 102 एडी तक। इन्हें सेकेंड अशोक भी कहा जाता था। इन्होंने शाक संवत या शाक एरा स्टार्ट किया जो 78 एडी से जिसका टाइम पीरियड है, मतलब अभी 2019 चल रहा है उसमें से 78 माइनस कर देंगे तो 1941 जो है वो प्रेजेंट ईयर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू शाक एरा। और शाक संवत जो है वही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूज करती है। ये महायान बुद्धिज्म के एक ग्रेट पैट्रॉन थे। इन्होंने खुद भी महायान बुद्धिज्म अडॉप्ट किया और चाइना में भी स्प्रेड किया। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो कश्मीर में हुई थी इन्हीं के अंडर। नाउ लेट अस नो व्हाट वाज द इंपैक्ट ऑफ इन्वेजन ऑफ इंडिया। तो शाक और कुशान थे, उन्होंने बेटर कैवलरी यानी कि गुड सवारी जो थी उसे इंट्रोड्यूस किया, और जो हॉर्स राइडिंग थी वो अब लार्ज स्केल पे होने लगी। उसके अलावा जैसे कल्चरल एक्सचेंज हुआ तो कपड़े जो थे, यूज ऑफ टर्बन, ट्यूनिक, ट्राउजर्स एंड लॉन्ग कोट्स, ये सब इंडिया में आने लगा। और उन्होंने भी बहुत कुछ सीखा यहाँ से, जैसे इम्पैक्ट ऑफ इंडिया, इंडिया के जो रिलीजन्स थे बुद्धिज्म वो बाहर तक जाने लगे, जैसे चाइना में भी बुद्धिज्म पॉपुलर हुआ। अब कुशान जो थे वो फर्स्ट रूलर थे जिन्होंने गोल्ड कॉइन्स इतनी लार्ज स्केल पे इशू किए, और जो मेजर पार्ट जो था सिल्क ट्रेड था, सिल्क रूट और सिल्क ट्रेड का, वो ये इन्होंने ही कंट्रोल किया। जो बड़े बड़े टाइटल्स थे जैसे किंग ऑफ किंग्स और सन ऑफ गॉड, ये सब कुशांस ने अडॉप्ट किए। और सबसे पहले ये स्टार्ट किसने किया था, अशोक ने सबसे पहले अपने को कहाया था देवम प्रियदर्शी, जिसका मतलब क्या था, डियर टू गॉड्स। तो ये टाइटल्स भी बाहर के राजा अपनाने लगे। तो ये कुछ इम्पैक्ट था इंडिया पे फॉरेन इन्वेजन का। थैंक यू।